तो यहाँ पे मछली इतना सस्ता मिलता है कि कहीं नहीं। अगर पूरे गोपालगंज में आपसे इससे कहीं सस्ता मछली मिले तो आप हमें 10 जूता मारिएगा आके यहाँ, क्योंकि यहाँ का रेट है 100 के अंडर में ही कोई भी मछली रहता है। एक ऐसा दिन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली बिकता है तो उस दिन थोड़ा महंगा रहता है, 10-20 रुपये का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि उस दिन महंगा ज़्यादा रहता है, समझ रहे ना। तो आप लोग को चलिए मैं नज़दीक में दिखाता रहूँ यहाँ पे कौन कौन मछली है, समझ रहे ना। अगर इससे सस्ता आपको कहीं भी मछली मिले पूरा गोपालगंज में तो आप हमें 10 जूता मारिएगा आके, समझ रहे ना। और मैं वहाँ पर रेट भी पूछ को बता दूंगा कितना रुपया कौन सी मछली है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए कि मछली कहाँ से आपको लेना है, समझ रहे हैं ना। आपको मतलब यहाँ पे मतलब देसली मछली ज़्यादा मिलती है, समझ रहे हैं ना, लोकल मछली जो होता है, जिंदा मछली आपको स्पेशल मिलेगा। थैंक यू। और ये नहर है और पुल, वहाँ रेगुलेटर, एक रेगुलेटर पुल है वहाँ पे, आप लोग स्पेशल वो डिमांड पीछे देख रहे हैं ना, वो रेगुलेटिंग पुल है। और क्योंकि यहाँ पर मछली सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे नहर है, नहर की वजह से आप यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल मछली एक में, समझ रहे हैं ना। थैंक यू। ये नहर है बहुत का, देख रहे हैं ना आपको। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और ये नजी आलम जी हैं, देख। खाली मोछरी की फोटो लिया थे यार, देख। देख मोछरी की खाली, देख बाबू मोछरी की इतनी खींची हुई है, पूछ लो मैं इससे। बहुत तगड़ा बेला से यूं साले चाहिए पकड़ गया भाई। काट में रह लगी कम, काट कम रह भाई। मैं भी यहाँ पे मछली खरीदने के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैं मछली आज ले जाऊँगा अपने घर, ठीक है। तो वहाँ पे मछली मेरा काट के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए परमिंदर मछली दे दो, देख रहे हैं ना मेरा मछली कटा हुआ है। तो मेरा वहाँ पे वो वाला मछली मैं कटवाया हूँ, ठीक है ना। तो मैं लेके जा रहा हूँ, मतलब सबसे सस्ता यहाँ पे मछली मिलता है, समझ रहे हैं ना। ये मैं लिया हूँ मछली 110 रुपये के जी, जिंदा वाला है, समझ रहे हैं ना। इससे सस्ता आप लोग कहीं नहीं मछली मिल सकता है। बहुची जो नहर है, कि नहर है, अगर इससे सस्ता कोई मछली मिले तो आप हमें बस चप्पल मार सकते हैं। पूरे गोपालगंज में घूम कर चेक कर लीजिए और एक बार यहाँ विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग, काफ़ी यहाँ पर भीड़ है भाई मछली के लिए, स्पेशली मछली के लिए ही नहर जाना जाता है, देख रहे हैं ना। और वहाँ पे टमाटर भी मिलता है मछली के, तो टमाटर मैं नहीं लूँगा घर पे, ठीक है। थैंक यू। देख रहे ना आप लोग, यहाँ पे मछली आपको सब मछली मिलेगा। मतलब मैं पास में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो मछली वाले हैं बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ मेरा, समझ रहे हैं ना। आप लोग को दिखा रहा हूँ जाके लगे मैं कितना मछली यहाँ पे आता है, बहुत मछली यहाँ पे। और ये नहर है, यहाँ पे नहर है जिसकी वजह से यहाँ पे मछली मिलता है बहुत। आप लोग कुछ आए कोट के करीब में रास्ते से जो जाती है सासा मुसा के रूट में उसी में है। और वहाँ पर एक देख रहे हैं आप लोग, अभी 5 के करीब हो रहा है टाइम, 4:30, देख रहे हैं ना, यही रूट है। यहाँ पे इतना मछली आपको सस्ता मिलेगा, मतलब बहुत ही सस्ता यहाँ पर मछली मिलता है। 100 रुपये के अंडर में कोई भी मछली मिल सकता है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब पूरे गोपालगंज में इसके इतना यहाँ जितना सस्ता मछली मिलता है वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं भी सस्ता इससे मछली मिले तो आप हमें आके दो चप्पल मार सकते हैं, क्योंकि आप पूरा एरिया गोपालगंज में देख सकते हैं इसके यहाँ सस्ता आपको कहीं नहीं मछली मिले यहाँ पे, क्योंकि नहर का सोर्स है, नदी भी है और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है साइड में वहाँ पे, इसलिए मछली यहाँ पे सबसे जितना सस्ता मछली मिलता है। और यहाँ पे मतलब शाम के टाइम में 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर दुकान लगा रहता हुआ है, भुजा का लगा रहता है और कुछ पकौड़ी का भी, तो जिसकी वजह से मैं भी भुजा खा रहा हूँ। और कितने भी लोग आते हैं खान यहाँ से, भुजा यहाँ पर भी बहुत फेमस है, क्योंकि जो भुजा है ना जस्ट अभी ये भूजते हैं और देते हैं, तो यहाँ पर खाने के लोग आते हैं। शामपुर मतिया से भी लोग आ जाते हैं, कुचाई कोड़ी भी यहाँ तक भी लोग आते हैं, ठीक है ना। तो आपको मछली में दिखाऊंगा कितना कौन सी मछली, जो भी मतलब देसली मछली, समझ रहे हैं ना, मतलब जो नदी का मछली रहता है प्रॉपर वो भी मिल सकता है आप लोग को।
और डेढ़ मतलब आइस वाला भी मछली जिसको प्यासी बोलते हैं, प्यासी मछली यहाँ से 70 से 90 रुपए के बीच में ही रहता है मरा हुआ, और बाकी जगह जाइएगा तो आप लोग 100 के ऊपर ही मिलेगा, 110 से 120 पूरे एरिया में। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को लेना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, रात को भी आपको मछली मिल सकता है या 8 बजे करीब में, ठीक है ना। रात में क्यों नहीं उठते हैं क्योंकि फोन के कमरे को भी जाना रहता है, तो यहाँ बहुत तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे टमाटर में और मछली के लिए टमाटर जो रहते हैं वहाँ पे लोग खरीदते रहते हैं, समझ लेना आप लोग। यहाँ बहुत ही अच्छी दुकान रखती है, मतलब काफ़ी अभी लोग चले गए हैं, मैं लेट से थोड़ा आया हुआ हूँ, देख रहे हैं वहाँ पे मछली, ये सब मछली आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा, जो भी आपको मछली चाहिए वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। तो मैं मछली कटवा दिया हूँ, देख रहे हैं आप लोग, सब मछली अवेलेबल है। ये बर्फ़ में रखी हुई है मछली, सब मतलब 100 के रेंज में ही रख रहा यहाँ पे मछली, ये जिंदा है सब, देख रहे ना आप लोग। हाँ बोल देता नहीं। और ये वाला बड़ा मछली है भाई, देख रहे हो ना कितना बड़ी बड़ी है, कम से कम 1-1 kg के साइज में। ये है बघौच नहर, यहाँ से रास्ता जाने का, ठीक है ठीक है। अब नहर पर चढ़ रहा हूँ मैं, मतलब 6 बजे करीब, मैं 4 से 6 बजे करीब आप लोग आइएगा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने पीने को आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना। अंडा पकौड़ी का भी दुकान है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा दुकान है, कान है यहाँ सब, आपको आप खा भी सकते हैं। ऊपर है, ऊपर है, पानी छोड़ दिया भाई, नाम बोल। ये तो मोटकी का है, तुमको बताओ मोटकी का है, दमो बताओ। मछली बाजारी कप जबरी बहुत सारा मछली है यहाँ पर।
तो जो मार्केट में मछली मैं खरीदूंगा और या खरीदा वहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, देख रहे हैं ना मछली कैसा है, बहुत टेस्टी है। अच्छा बता दो जो पिछला बार था उससे अच्छा है कि खराब? अरे उससे भी मस्त लग रहा यार, पिछला बार तो और टेस्टिंग थी, आज भी तो मजा आ रहा है। तो ये वाला जो पिछला बार था वो मेरी माँ बनाई थी, दूसरा वाला इतना गजब तक क्या बताए तुम, ये वाला मेरी भाभी बनाई थी, समझ रहे हैं ना, मतलब तब तो और अच्छा बना हुआ यार, देख रहे हैं न्यू वर्जन है। तो ये वाला डेड मछली है, समझ रहे हैं आप लोग, तो अभी जिंदा वाला मछली एक दिन फिर से हम आपको दिखाएंगे कैसा रहा टेस्ट। थैंक यू, ठीक है। देखो अगर मतलब उम्मीद नहीं कर रहा ली तो हम हम तो आज भाई हम लोग हो रहा है, समझ रहे ना, कैमरे के साथ में अंदर हो रहा है तो इसलिए मैं भी कैमरा लाया हूँ, ठीक है। तो विशाल देने के लिए बेदार हो गया, समझ रहे ना, जिसको जिसका गर्लफ्रेंड कोई है कि नहीं पता नहीं, अकेला ही जी रहा है, तो विशाल है अभी और तू में यहाँ पे अब ज़्यादा में वीडियो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना, तो ये देख रहे हैं ना बाजवा कैसे हो रहा है, यहाँ वहाँ पे बहुत टॉप होता है भाई, सबसे अच्छा बाजवा यहाँ पे टॉप होता है, और लड़कियों का पहले होता है लेडीज़ फर्स्ट, तो हम लोग कुछ कुछ बच्चे जाते हैं एक डूब में और इसमें एग्जाम हो गया, चलो मिलते हैं, थैंक यू। तो ये रहा विशाल कुछ बोल रहा है, लग रहा है नहीं पार्टनर बोले नहीं अभी तक, हाँ लेकिन बोलने के लिए सोचा है, पता नहीं क्या बोलेगा, देख रहे हैं आप पार्टनर, हाँ देखने को कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है इसलिए खड़े हैं लोग, टाइम पास कौन कम लग जाएगा इसलिए ठंडी देर तक, अभी कोई आने वाला भी है सर, पता नहीं कौन आने वाला है, एजुकेशन मिनिस्टर आने वाला, डीएम तो आएंगे हैं, ठीक है, थैंक यू। चल रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हो, हाँ तो वो रहा हम लोग का NMTC रहा, और हम लोग का मार्केट जाएंगे क्योंकि थोड़ा मार्केट भी जाना है, कुछ खेलने वाला, समझ रहे ना आप लोग, और यहाँ पे बाकी देख लो ना, पता नहीं कोई कुछ अब मार्केट में थोड़ा जा रहे हैं, अब बच्चे काफ़ी चल क्योंकि संडे को ज़्यादा रुकते नहीं है, दूसरे दिन बनाएंगे।